नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 22 का बाहुबली कौन। डालते हैं एक नजर आज की चुनावी खबरों पर। सबसे बड़ी खबर आई उत्तर प्रदेश से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। 107 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हुआ है। उस लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। मुख्यमंत्री इस बार गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से ताल ठोकेंगे। आज की कवर स्टोरी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पहली लिस्ट के जरिए अपने मतदाताओं को क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है। दूसरी खबर पंजाब से है। पंजाब में आज कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू इस बार चुनावी मैदान में होंगे। तीसरी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बार खाटिमा सीट से उम्मीदवार होंगे। उन्होंने इस बात का आज ऐलान किया। पार्टी आज शाम या कल सुबह तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। चौथी खबर एक बार फिर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में आज अटकलें थी कि भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो जाएगा, लेकिन काफी लंबी वार्ता के बाद भी दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं हो पाया। अखिलेश बोले दो सीट देने को तैयार थे। पांचवी खबर भी उत्तर प्रदेश से है। आज मायावती का जन्मदिन है और आज जन्मदिन के दिन उन्होंने 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। अब चलते हैं आज की कवर स्टोरी की तरफ। कवर स्टोरी में आज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने आज 107 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है उत्तर प्रदेश में, वो अपने मतदाताओं को क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो आज पहली लिस्ट जारी हुई है, उसमें 60% दलित और ओबीसी कोटे से आने वाले लोग, यानी उस वर्ग से आने वाले लोगों को टिकट दिया। यानी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी जैसे जो नेता सपा में शामिल हुए हैं, उनकी भरपाई करने की कोशिश कर रही है। वहीं फोकस एक बार फिर से ओबीसी और दलित वोटरों पर है। पार्टी जानती है कि अगर ये दो समूह वोट कर जाएंगे तो उनकी 22 की राह आसान हो जाएगी। दूसरी जो बड़ा फैक्टर, जो दूसरा बड़ा संदेश देने की कोशिश पार्टी कर रही थी, वो ये कि महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। 10 महिलाओं को इस बार पार्टी उम्मीदवार बनाई है। यानी एक तरफ एक सीधा साफ संदेश है कि महिलाओं के साथ पार्टी खड़ी है। वहीं कांग्रेस की उस कैंपेन का भी जवाब देना चाहती है पार्टी इसके जरिए, जिसमें लड़की हूँ लड़ सकती हूँ प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा कैंपेन चल रहा है। वहीं इस बार कांग्रेस बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट दे रही है। बता दें कि 2014-17 और 2019 और यहाँ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे का बड़ा फैक्टर महिलाओं को माना जाता है। कहा जाता है कि साइलेंट वोटर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का बड़ी भूमिका महिला मतदाताओं की थी। तीसरा फैक्टर या तीसरी बड़ा संदेश जो भारतीय जनता पार्टी आज पहली लिस्ट के जरिए देना चाह रही है या दे रही है मतदाताओं को, वो क्षेत्रीय जो नेता हैं उनको अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ाकर के साधने की, क्षेत्र के साथ साथ जातिगत साधने की कोशिश है। एक नजर डालते हैं नोएडा से लेकर गोरखपुर तक। नोएडा में इस बार उम्मीदवार फिर से पंकज सिंह हैं। वहीं मथुरा से उम्मीदवार बनाया गया श्रीकांत शर्मा को। वहीं आगरा ग्रामीण सीट से बेबी रानी मौर्य, जो कि उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं, उन पर भरोसा जताया है। तो वहीं सिराथू, जो कि प्रयागराज यानी अवध का क्षेत्र पड़ता है, उस अवध के क्षेत्र में केशव प्रसाद मौर्य उम्मीदवार हैं। वहीं गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी पक्की हुई है। यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक भारतीय जनता पार्टी अपने क्षेत्रीय नेताओं के जरिए क्षेत्रीय मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है। एक दूसरी चीज जो भारतीय जनता पार्टी के बीच हमें समझने की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे चुनाव चढ़ाती है। चरण दर चरण जैसे चुनाव बढ़ता है, पार्टी वैसे वैसे अपनी रणनीति बदलती भी रहती है। योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चा थी कि योगी हो सकता है अयोध्या मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए आज पहली लिस्ट में उनके गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर मुहर लगा दी गई है। गोरखपुर में चुनाव आखिरी चरणों में होना है, जिसके जरिए पार्टी एक तरह से योगी आदित्यनाथ का उपयोग 75 जिलों में भी करना चाहती है एक स्टार प्रचारक के तौर पर। वहीं गोरखपुर के जरिए पूर्वांचल को भी साधने की कोशिश कर रही है पार्टी। लेकिन ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की कितनी सफल होती है, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। अब चलते हैं कल के सवाल की तरफ। कल हमने आपसे पूछा था कि आरएलडी और जयंत चौधरी के बीच क्या नाता है, या जयंत चौधरी किस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसका जवाब है राष्ट्रीय लोकदल। और अब आज का सवाल है कि योगी आदित्यनाथ, जो कि इस बार गोरखपुर सीट से
चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो पहली बार जब सांसद बने थे तो किस लोकसभा सीट से उम्मीदवार थे। मैं अपने आप को दोहराता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जब पहली बार लोकसभा सांसद बने थे तो वो किस सीट से उम्मीदवार थे। अगर ये वीडियो आप हम हिंदुस्तान के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर अभी तक हमारे ऑफिशियल मोबाइल ऐप को डाउनलोड आपने नहीं किया है तो मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।